देश के दो महानायकों का महामंत्र, न हिंदू न मुसलमान, सबसे पहले हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयूधी शशि। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने एक इंटरव्यू में देश के कई मुद्दों पर मन की बात की। उन्होंने महिला, युवा, राम राज्य से लेकर देश के मुसलमानों तक पर अपने स्पष्ट विचार रखे। सर संचालक ने भारत के मुसलमानों को विश्व में सबसे सुखी मुसलमान बताया। मुसलमानों के साथ सियासी छल करने वालों पर भागवत स्ट्राइक हुई। भागवत ने मुसलमानों के विकास के लिए वही बातें कही, वही विचार रखे जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते आ रहे हैं। दो महानायकों का महामंत्र, ना हिंदू ना मुस्लिम, राष्ट्रहित सर्वप्रथम, सबको साथ लेकर चलने का राष्ट्र धर्म, देश के मुसलमानों पर भागवत दर्शन। रस खान का नाम हमने सुना है ना, वो मुसलमान थे, उन्होंने इस्लाम छोड़ा नहीं था, लेकिन कितना सुंदर काव्य उनका कृष्ण पर है। शेख मोहम्मद थे, विट्ठल के भक्त थे, और ये कोई पुरानी बात नहीं है। मुसलमानों के विकास पर मोदी मंत्र, पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। सबसे सुखी हैं भारत के मुसलमान। वो लोग बार बार अलगाव और कट्टरता फैलाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में हमारा एकमात्र देश है कि जहां पर सबके सब बहुत दिनों से साथ रह रहे। सबसे अधिक सुखी किस देश के मुसलमान है? भारत के मुसलमान। देश की पहचान हिंदू और मुसलमान। दिल्ली का नाम दहलीज सबसे निकला है। गंगा जमुना के दो आप की ये दहलीज भारत की मिली जुली गंगा जमुनी संस्कृति का प्रवेश द्वार है। बांटने वालों पर आज भागवत स्ट्राइक। जो लोग कह रहे कि हम मुसलमान हैं इसलिए हिंदुस्तान के नहीं है, वो गलत है। तो बीच बीच में कट्टरता फैलती है तो उसके हवा में भटकना नहीं, इतना करना पड़ेगा। और उसके लिए हम राष्ट्र है, एक राष्ट्र है, उस समय से चलते आए हुए राष्ट्र है, हम हिंदू राष्ट्र है। जहरीले बोल पर आज मोदी प्रहार। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, देश के विकास और मुसलमानों के उत्थान के लिए यही दो महानायकों का महामंत्र है। और इसी महामंत्र से मुसलमानों को वोट बैंक समझने वालों को बेचैनी हो रही है। सबसे पहले भागवत की बात करेंगे, मुसलमानों पर भागवत दर्शन सुनिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक, जिन पर विपक्ष के नेता यही आरोप लगाते आए हैं कि संघ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की कोई जगह नहीं होगी। लेकिन आरएसएस देश के मुसलमानों के बारे में क्या सोच रखता है? भारत के अल्पसंख्यकों के लिए भागवत दर्शन क्या है? भागवत के मन की ये बड़ी बातें आज देश के हर मुसलमान को सुननी और समझनी चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदी विवेक को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने हर मुद्दे पर अपने विचार रखे, महिला, युवा, कोरोना से लेकर देश के विश्व गुरु बनने के सपने तक पर बात की और भारत के मुसलमानों को विश्व में सबसे सुखी बताया। जब ये होता है कि भारत भक्ति जागती है, भारत के संस्कृति की भक्ति जागती है, भारत के पूर्वज परंपरा का गौरव जागता है, तब ये सारे भेद तिरोहित हो जाते, लोग इकट्ठा आते। ये जिनके स्वार्थ पर आघात करता है वो लोग बार बार अलगाव और कट्टरता फैलाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में हमारा एकमात्र देश है कि जहाँ पर सबके सब बहुत दिनों से साथ रह रहे। सबसे अधिक सुखी किस देश के मुसलमान हैं? भारत के मुसलमान।
दुनिया में कोई देश है कि जहाँ उस देश के वासियों की सत्ता में दूसरा संप्रदाय रहा जो उस देश का नहीं है और वो अभी तक चल रहा है? ऐसा कोई नहीं है, हमारा है। मोहन भागवत ने ये बातें किस आधार पर कही? उन्होंने उदाहरण के साथ इस प्रश्न का उत्तर दिया। अल्पसंख्यकों के साथ पाकिस्तान के खराब बर्ताव पर प्रहार करते हुए भारतीय संविधान को महान बताया। मुसलमान इस्लाम के आक्रमण के थोड़ा पहले कुछ आए, आक्रमण के साथ जोर से आए, बहुत सारा खून खराबा और लड़ाई का इतिहास, वैर का इतिहास है, फिर भी हमारे यहाँ मुसलमान है, हमारे यहाँ ईसाई है, तो उनका क्या बुरा हो रहा है? उनको तो अधिकार मिलते हैं, संविधान था, पाकिस्तान ने नहीं। हिंदुस्तान उस समय जो वातावरण था उसमें हिंदुस्तान कहता कि देखो भाई ये मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना है, अब यहाँ हिंदू का चलेगा और किसी का नहीं चलेगा, लेकिन हमारे संविधान ने ऐसा नहीं किया। ये बातें कहने के लिए नहीं है, ये सच्चाई है। भारत के मुसलमान वाकई सबसे सुखी है, क्योंकि आप अगर पूरे विश्व में मुसलमानों की हालत देखेंगे तो पाएंगे कि चाहे इराक हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो या फिर धर्म के नाम पर बना देश पाकिस्तान ही क्यों ना हो, हर जगह मुसलमानों का उत्थान नहीं पतन हो रहा है। इन देशों में मुसलमानों की बर्बादी की खबरें आती हैं, आए दिन के धमाकों से तबाही की तस्वीरें दुनिया देखती है। जबकि भारत में मुसलमानों की यह हालत नहीं है, बल्कि यहाँ उनके विकास के लिए भारत सरकार कई योजनाएं चला रही है, और यही प्रयास देश की कुछ पार्टियों की आंखों को खटकता है। ऐसे दल निजी हितों के लिए मुसलमानों को भटकाने और भड़काने का खेल खेलते हैं। पिछले 6 वर्षों में मुसलमान के मन में जहर घोलने का काम और तेज हुआ है। नागरिकता कानून पर विरोध प्रदर्शन और इसी दौरान दिल्ली में हुए दंगे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मोहन भागवत ने इसलिए मुस्लिमों के साथ छल करने वाले नेताओं पर भी वार किया। पहले पहले पाकिस्तान की बात चली थी तो उस समय मदनी साहब थे जमायत इस्लामी के चीफ, उनकी पुस्तक है उसमें उन्होंने लिखा है कि ये कौम का और रिलीजन का कोई संबंध नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हिंदुस्तान के नहीं है वो गलत है। तो बीच बीच में कट्टरता फैलती है तो उसके हवा में भटकना नहीं, इतना करना पड़ेगा, और उसके लिए हम राष्ट्र है, एक राष्ट्र है, उस समय से चलते आए हुए राष्ट्र है, हम हिंदू राष्ट्र है। मोहन भागवत की दृष्टि में रसखान का स्थान सर्वोपरि है, जिन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा और कृष्ण भक्त थे। मोहन भागवत की दृष्टि में शेख मोहम्मद का स्थान सर्वोपरि है, जो भगवान विट्ठल के भक्त थे। मोहन भागवत कहते हैं कि अनेकता में ही देश की एकता है, यही साझा संस्कृति है, गंगा जमुनी तहजीब है, जिसमें किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें मतलब सिर्फ इस बात से होना चाहिए कि वो व्यक्ति राष्ट्र से कितना लगाव रखता है, राष्ट्र निर्माण में कितना योगदान देता है, क्योंकि यही भारत की असली पहचान होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 वर्षों से कहते आ रहे हैं वही मोहन भागवत के मन में भी। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।